आप सभी के पुराने वीडियो के रिस्पांस देख के मुझे लगा मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो ये सीरीज़ मैं बना रहा हूँ जो अपने घर बनाने का एक्सपीरियंस है, जो मैंने बनाया, जो मैंने भुगता है और जिन चीज़ों से मुझे प्रॉफिट हुआ है या जिन चीज़ों से मुझे नुकसान हुआ है वो चीज़ बता के आपका भी थोड़ा उसमें प्रॉफिट हो जाए और आपको भी इससे रिगार्डिंग थोड़ी नॉलेज मिले और मेरी नॉलेज और बढ़े, तो इसके लिए बना रहा हूँ। अब जो है ये बहुत भारी नुकसान हो रहा है मेरा, लेकिन मैं साउथ का पत्ता लगा रखा है, करीबन 260 रुपीज़ 260 रुपये स्क्वायर फीट वाला पत्ता रहे। अब ये मैंने इस पर लगाया था और ये मैंने इस पर लगवाया था अल्ट्राटेक के एंटी केमिकल, जो अल्ट्राटेक का नेचुरल स्टोन चिपकाने वाला केमिकल आता है वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो अब ये देखिए, आपको मैं इधर से दिखाता हूँ, ये वाला पत्थर तो गिरने वाला था, तो मैंने मेरे जो दूसरे कारीगर जिन्होंने लगाया है, वो वाले कारीगर नहीं, दूसरे कारीगर में टाइम लगा रहे थे, उनको बुला के मैंने खुलवा के रखवाया है। ये वाला तो गिर चुका था, ये गिरा तो ये टूट चुका है और इस पर गिरा था तो ये वाली चौकट भी टूट गई है। अब इसके अंदर तो फिर भी केमिकल और सीमेंट मिक्स है, और ये प्योर केमिकल से लगा हुआ था और इसमें अब मैं दोनों की गलती मानूंगा, कारीगर की तो थी से, और केमिकल भी आप देखोगे तो एक बार इस पत्थर को देखो, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं लगा हुआ, एकदम चिकना बिल्कुल, आप इसको देखो कहीं से कहीं तक इस पर केमिकल नहीं चिपका हुआ, पूरा केमिकल अपने पिलर पर लगा हुआ है। और जो पत्थर टूट चुके हैं उसके पीसेस भी देखाऊंगा मैं आपको, उन पर भी कोई केमिकल नहीं लगा हुआ, वो भी ऐसे कैसे ही एकदम चिकने हो रखे हैं, तो केमिकल ने भी एक टाइप से पकड़ नहीं करी इसकी, और कारीगर की तो गलती है ही सही, उसको हो सकता लगाने में गलती की हो। और अब ये तो हुआ ही है नुकसान, अभी एक पत्थर ही करीबन एक पीस ही 2-3 हज़ार रुपये का है, और अब ये पीस मेरे पास नहीं है तो मुझे इसके लिए पूरा पत्थर लाना पड़ेगा, इसके लिए करीबन 8 हज़ार का पत्थर आएगा। तो अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि अगर मैं ये मेरे टोटल मिला के 3 और 2 5 पिलर है, इसमें आप 4.5 पिलर मान लो क्योंकि एक आता है, इस पर लगाने के लिए मैं साउथ का पत्थर जो लेके आया था, जो ग्रेनाइट लेके आया था पत्थर का, तो ये जो साउथ वाला ग्रेनाइट था इसकी जितनी कॉस्ट बैठी अगर ये नहीं लगाता मैं, क्योंकि जो गिर रहा है मुझे देख के लग तो रहा है कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था, अगर ये मैं नहीं लगवाता तो इसी पैसे में इसी रुपयों में मेरे आगे का टेक्स्चर हो जाता पूरा, और टेक्स्चर मतलब जिनको नहीं पता एक टाइप से पेंट ही समझ लो, आगे का पेंट हो जाता, फ्रंट का पेंट हो जाता और जिसमें लेबर की कॉस्ट भी आ जाती और पेंट का मटेरियल भी आ जाता। बट अब देख लो ये नुकसान मेरा हो चुका है, ये आपका ना हो। अभी मेरा ऊपर वाला पिलर तो है सही सलामत, वो तो अभी तक नहीं खुला है, तो मैं कोशिश करूँगा कारीगर चेंज करके दूसरे तरीके से लगवाने की। अब घर देखो किसी ना किसी में नुकसान तो चलता रहता है, अब जैसे घर बनाओगे तो कहते हैं कि शादी ब्याह और घर वगैरह में तो छोटे मोटे नुकसान चलते रहते हैं, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा इसको लगवाते हुए, कि यूट्यूब पर और वीडियो सर्च कर लीजिएगा कि कैसे इसको लगवाना है। और अल्ट्राटेक का एंटी वाला केमिकल मैं तो कह रहा हूँ अल्ट्राटेक का केमिकल यूज़ ही मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीमेंट से भी चिपका देते हैं लोग, सीमेंट वाला पत्थर ही नहीं गिरता है तो केमिकल वाला पत्थर गिर गया, मतलब केमिकल मतलब एडेसिव। ये वाला मैंने चौकर पर लगा रखा है, तो हमारे राजस्थान का ये तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है मेरे को, करीबन 85 यानी कि 85 रुपये स्क्वायर फिट पड़ा है ये वाला। और पिलर के लिए लगाया था मैंने साउथ का, वो बहुत महंगा है, तो 300 रुपये स्क्वायर फिट तक भी जाता है। अब ये वाला है ये हमने सेफ्टी के लिए बांध रखा है, पर अभी तक कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है कि कहीं से खुल गया हो, कहीं से इसमें चराड़ चल गई हो, अभी तक तो नहीं लग रहा। और ये साउंड भी मतलब इसमें से मजबूत वाली आ रही है, एकदम हल्की साउंड नहीं आ रही है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देख लो एक और पेमाइस है, ये वाली गिर गई है, ऊपर वाली तो हमने खोल के रख दी, ये वाली गिर चुकी है, ये गिर के टूट गई थी और वो बच रही है, तो शायद ग्रेनाइट का डिसीजन गलत था। अब ये डिसीजन ग्रेनाइट लगाने का गलत था, या फिर गलत कारीगर चुनने का डिसीजन था, या गलत मटेरियल चुनने का डिसीजन था, अब ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपके काम नहीं आ रही, आपके किसी मिलने वाले के काम आ रही है, वो घर वगैरह बना रहा है या बनाने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो से मुझे भी नॉलेज मिली थी और मुझे काफ़ी हेल्प आई मिली है, और मेरे काफ़ी पैसे भी बचे हैं उन वीडियोज़ की वजह से। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वजह से भी किसी के अगर घर बनाते थोड़े रुपए बचते हैं, वो उन बचे हुए पैसों से अपने लिए बाद में हैवी फिटिंग्स खरीद सकता है, या उन पैसों कहीं और भी यूज़ ले सकता है। तो बताइएगा मुझे कि कैसे रही और इसका आगे क्या सॉल्यूशन होता है, उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।